हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब? दोस्तों, यामा कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यामा कंपनी अपनी 125 सीसी के सेगमेंट में एक स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है अपने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। दोस्तों, अभी के टाइम पे 125 सीसी के बाइक का क्रेज इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और अभी यामा कंपनी के पास कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो अदर बाइक कंपनी को टक्कर दे सके, तो इसीलिए यामा कंपनी अपनी 125 सीसी के बाइक को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यामा कंपनी इस बाइक को इंडिया में कब तक लॉन्च करेगी, इस बाइक का प्राइस क्या होगा, इस बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं 4Wheel। अभी के टाइम पे दोस्तों यामा कंपनी के पास कोई भी 125 सीसी की बाइक नहीं है और इसी कमी को पूरा करने के लिए यामा कंपनी अब बहुत ही जल्द इस बाइक को स्पोर्ट कैटेगरी में लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। दोस्तों, बाइक में आपको फीचर्स भी काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ USB चार्जिंग पोर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे अगर बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलेगा जो कि सेफ्टी के पर्पज से काफी अच्छी बात है। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 11 BHP का, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 10 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बाइक के माइलेज हम बात करें, तो ये बाइक आपको 50 से 55 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी जो कि स्पोर्ट बाइक के हिसाब से काफी अच्छी बात है। सस्पेंशन सेटअप का अगर हम बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, बाइक का जो ओवरऑल लुक है स्पोर्ट कैटेगरी में होने वाला है जो कि 125 सीसी का है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,25,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसे लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।